माय नेम इज किरण। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पेंट्री और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी हम रखते हैं। वैसे तो ग्रोसरी शॉपिंग जाने से पहले हमें फ्रिज और पेंट्री क्लीनिंग कर लेनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या बाय करना है और क्या नहीं, लेकिन कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हमें चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज रखने की आदत है तो आपकी चीज़ें विजुअलाइज रहेंगी और आप अनवांटेड शॉपिंग और वेस्टेज से बच जाते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पेंट्री, जो मेरी किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉडुलर किचन या एक्स्ट्रा पेंट्री यूनिट होने से चीज़ें ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सालों तक मेरे पास एक छोटी सी दो शेल्व्स वाली किचन थी जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैक्स लगा के चीज़ें सेटल करती थी। तो जगह कम हो और चीज़ें सिंपल पर ऑर्गेनाइज हों तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। टॉप शेल्फ के ऊपर ब्रेकफास्ट मटेरियल रहता है, तो ऑरेंज कंटेनर को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है लेंथ वाइज। जो पीछे कंटेनर है वो थोड़े लेंथी कंटेनर है जिसमें ओट्स, पोहा, दलिया और आगे सूजी, आगे साबूदाना और पीनट बटर रखा हुआ है। और अब पेंट्री यूनिट से थोड़ा बाहर आ जाएँ तो यहाँ पर ग्लास की दो शेल्फ्स बनी हुई हैं। ऊपर वाली शेल्फ़ के ऊपर मैंने कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली और दलिया, इंस्टेंट दलिया है ये, और साथ ही एप्पल साइडर विनेगर की दो बॉटल्स पड़ी हुई हैं। नीचे की शेल्फ़ के ऊपर सामान सारा ज़्यादातर मम्मा का ही रहता है क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये सारे चूरन, हिंगोली और हाजमोला वगैरह ये सारी चीज़ें उनको हैंडी रहें इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। और साथ ही एक बॉटल जैम और चटनी की रखी हुई है। सारी शेल्फ्स पे एक चीज़ कॉमन है कि मैंने लार्ज कंटेनर्स को बैक साइड और स्मॉल कंटेनर्स को आगे रखा है। स्लिप सिर्फ उन्हीं कंटेनर पे होगी जिनमें रखा सामान नज़र नहीं आए, क्योंकि जो दिखेगा वो यूज़ होता रहेगा, बाकी का मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे नीचे की शेल्फ़ पे कुछ लार्ज कंटेनर्स रखे हैं जिनमें कुछ मखानाज हैं, सूखी लाल मिर्च है, अचार के कुछ डिब्बे हैं, साथ ही देसी हल्दी है। पाउडर फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, सॉल्ट, मैदा, टैंग, बेसन, इन सब चीज़ों पे मैंने स्लिप्स लगा रखी हैं ताकि आसानी रहे समझने में कि किस में क्या चीज़ है। से सारे इंडियन स्पाइसेस, सांबर मसाला, किचन किंग, चना मसाला, राजमा मसाला, दाल मखनी मसाला और पीछे तंदूरी चिकन मसाला, इन सबको मैंने कंटेनर्स में बंद करके रखा है ताकि इनमें मॉइस्चर ना जाए और ये ख़राब ना हो। और यहाँ मैंने जैम की खाली बॉटल्स की लिड को एक सा पेंट करके रीयूज़ किया है। ज़रूरी नहीं कि आपकी किचन में सारे कंटेनर्स एक से हों, बस ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज हों। कंटेनर्स को फिल करने से पहले ख्याल रखें कि पहले की बची हुई दालों को थोड़ी धूप जरूर लगवा लें, नहीं तो फ्रेश चीज़ भी खराब हो जाएगी। मैग्नेट के साथ लगा स्लिप पैड बहुत काम आता है, खत्म हुआ सामान नोट करते रहेंगे तो ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत इजी हो जाएगी। और बहुत ही सिंपल सा 20 लीटर फ्रिज है मेरा, तो सबसे पहले फ्रीजर चेक करेंगे कि इसमें सबसे पहले एक आइस ट्रे है और दूसरी साइड मैंने एक आइस बाउल रखा हुआ है।
और साथ ही एक आइसक्रीम का पैकेट है जिसको खोलने के बाद मैं ज़िपलॉक बैग में रख लेती हूँ ताकि लीकेज ना हो। और उसके नीचे मैंने यहाँ पे दो बास्केट्स रखी हैं, एक बास्केट में नॉनवेज रहता है और दूसरी बास्केट में मैं बॉयल करके रखती हूँ वाइट चना, ब्लैक चना और साथ ही किडनी बीन्स। और साथ ही यहाँ पे कुछ नॉनवेज स्नैक पड़ा हुआ है, डिमसम्स हैं, यहाँ पे कबाब है, पंजाबी मसाला टिक्का है और साथ ही फ़िश का एक पैकेट है। और मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी बना के रखती हूँ ग्रेवी वगैरह की आइटम्स के लिए और साथ ही यहाँ पे फ्रोज़न पीस। तो जितनी ज़्यादा प्रेपरेशन आप करके रखते हैं मील बनाना आपको उतना ही ईजी हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम फ्रिज के मेन पार्ट पर। तो यहाँ टॉप पे मैंने रखा हुआ है कुछ चीज़ स्लाइस, चीज़ क्यूब्स और कुछ मेयोनीज है जो मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है। और यहाँ मैंने सारे फ्रिज की शेल्फ्स के ऊपर फ्रिज मैट बिछाए हुए हैं ताकि कुछ भी स्प्लिट होता है तो एटलीस्ट मैट को उठा के आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर की शेल्फ पे मैंने आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ, तो मैं एक दिन का आटा गूंद लेती हूँ। और नीचे तीन बास्केट्स हैं, एक बास्केट्स में एग्स हैं और दूसरी बास्केट में मैं लेफ़्ट ओवर्स रखती हूँ। और ज़रूरी है कि लेफ़्ट ओवर्स को आप 24 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लें, नहीं तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और थर्ड बास्केट में मैं ज़रूरी सामान जो हर मील के लिए चाहिए होता है, जैसे कि पील किया हुआ अनियन है, ग्रीन चिली है, साथ ही गार्लिक है और कुछ टोमेटोज़ मैं रखती हूँ एक ही बास्केट में। ना चाहते हुए भी एक दूध का बड़ा बर्तन मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं। और साथ ही ये बड़ा जार दही का और पीछे मलाई है जो रोज़ दूध से निकाल के हम इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में एक हफ्ते के बाद उसका घी निकालते हैं। और वेजिस को वॉश और स्टोर करने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्रिज के डोर में मैंने क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले हैं इधर बॉयल्ड एग्स और जिन पे मैंने लिख रखा है ताकि हर फैमिली मेम्बर को पता रहे। टॉप वाले पार्ट पे मैंने रखा है चीज़ डिप और गार्लिक डिप, साथ ही कुछ टोमेटो केचप के पाउचेस हैं और साथ ही ये ओवरनाइट ओट मील है, ग्रीन चटनी रखी हुई है यहाँ पे मैंने और साथ ही मेयोनीज है। दूध बार बार यूज़ करना होता तो एक बड़ा बर्तन नहीं निकाल सकते बार बार, तो एक जग में मैं रख लेती हूँ इसको डोर साइड में। और साथ ही कुछ वाटर बॉटल्स हैं, जूस है, पापा का च्यवनप्राश है और नीचे आ जाएंगे तो टोमेटो केचप की बॉटल्स हैं, वाइन है, सोडा है और साथ ही कुछ जूसेस हैं। तो बस इतना सामान। और मेरी ये एडवाइस है कि फ्रिज में सिर्फ ज़रूरी सामान ही रखें, अननेसेसरी उसे फिल ना करें, उससे भी सांस लेने दें और अगर कुछ एरिया खाली रह भी जाता है तो अच्छा है, कूलिंग और अच्छी होगी। तो अब बात करते हैं इंडियन स्पाइसेस की, जिनको आजकल फ्रिज में रखा जाने लगा है लेकिन उनको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदियों से हमारी दादियाँ नानियाँ मसालों को अच्छे से धूप में सुखा कर कंटेनर्स में बंद करके रखती थी और तब फ्रिज भी नहीं हुआ करते थे। फ्रिज में रखने से इन स्पाइसेस का अरोमा ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इज़ ड्राइड फ्रूट। तो ड्राइड फ्रूट में दूसरे फ्रूट के कंपैरेटिवली वाटर कंटेंट बहुत कम होता है जिससे कि इसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। फ्रूट्स को अगर ठंडा खाने के शौकीन हैं तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, अदरवाइज इसको बाहर ही रहने दें। फ्रिज में रखने से ये अपना फ्लेवर लूज़ कर देते हैं। हनी में हाई शुगर कंटेंट होता है एंड इट हैज़ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से जैम एंड पिकल्स में दोनों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सो दे आर बेटर इफ़ आउट ऑफ द फ्रिज। फ्रेश ब्रेड अगर आप लेके आते हैं तो उसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चार दिन तक ब्रेड बाहर ही सेफ रहती है। सोया सॉस को फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। दैट्स इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कीजिए और साथ ही बेल बटन आ जाएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।